जयपुर से बड़ी खबर है। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में प्रवेश को लेकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। बरसात की वजह से लेट होने के चलते अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर के सिरसी रोड स्थित अलंकार महिला कॉलेज में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां और सेंटर प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच समय को लेकर हुआ तगड़ा विवाद और कई अभ्यर्थी प्रवेश को लेकर आए गिड़गिड़ाते हुए नजर। और बारिश के चलते यहाँ पर अभ्यर्थी लेट पहुंचे और प्रवेश नहीं मिलने पर यहाँ पर अभ्यर्थी जो है और देखिए जयपुर से ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बांधी लाठियां और यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया क्योंकि बारिश के चलते अभ्यर्थी लेट हो गए परीक्षा के लिए और फिर उनको प्रवेश नहीं दिया गया परीक्षा सेंटर पर। और इसी के चलते देखिए कितने अभ्यर्थियों के साथ पुलिस का विवाद हुआ और यहाँ पर कई अभ्यर्थी रोते हुए नजर आए तो कई गिड़गिड़ाते हुए नजर आए लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। और बीएससी नर्सिंग की ये परीक्षा थी जिसके प्रवेश को लेकर ये विवाद हुआ और अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया एग्जाम सेंटर पर। और बरसात की वजह से अभ्यर्थियों का कहना है कि लेट हो गए इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या अभ्यर्थियों की गुहार है और कैसे ये मामला शुरू हुआ, कैसा विवाद हुआ, फिलहाल इसको लेकर जानकारी दे दीजिए। एक आप बताना चाहता हूँ कि आज जयपुर मुख्यालय पर पूरे प्रदेश स्तर के नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उन छात्रों का एग्जाम के लेकर सुशी रोड पर स्थित अलंकार बालिका महिला महाविद्यालय है जहाँ पर बच्चों के प्रवेश को लेकर काफी गहमागहमी हुई और पहले तो उन्हें समझाइश की गई लेकिन बच्चे जो अभ्यर्थी थे उनका यही कहना था कि बरसात की वजह से उन्हें आने में लेट हो गए और कई 12 बजे बाद अभ्यर्थी पहुंचे और जो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें 12 बजे बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया तो गुस्साए जो अभ्यर्थी थे उन्होंने गेट बजाना शुरू कर दिया कि गेट को बांध के भी अंदर चले गए। ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ जो लगे हुए थे उन्होंने वहाँ उनको कहने के लिए लाठियां बांधी गई। इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी उनका विरोध भी किया जिससे उनकी तकरार भी हुई और इसी को लेकर जो अभ्यर्थी थे उनको जो पकड़ के पीछे लेके अंदर जाने लगे तो और अभ्यर्थी जो प्रवेश से वंचित रह गए थे उन्होंने उनका विरोध किया और काफी लोग बाग जो है इकट्ठे हो गए उस अभ्यर्थी थे और वहीं तो जो महिला अभ्यर्थी थी उनके आंसू पर जल जाए और वो गिड़गिड़ाते नजर आए कि हमें किसी भी परेशान नहीं अंदर ले लीजिए हम बरसात की वजह से लेट हो गए। उनका कहना कि भाई पूरा साल खराब हो जाएगा क्योंकि पूरे प्रदेश भर से जो अभ्यर्थी थे आज आए थे हम दोहरा में थे और जयपुर में था इससे काफी दूर दूर से आए आस पास जिले के भी आए थे इसी को लेकर काफी लोगों की भीड़ थी लेकिन क्या की सेंटर काफी दूर होने की वजह से और बरसात के नजर के लिए आने में कई भीड़ हुई इसी को चलते पूरा। ठीक है, शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए। टाइम से पहले गेट बंद कर दिया इन्होंने टाइम से और ट्रैफिक कितना है रोड खराब है कहाँ से आए बच्चे बारिश हो रही है कहाँ से आए बच्चे मैं